आज के इस वीडियो में हम जिस पेपर की चर्चा करने जा रहे हैं उस पेपर का नाम है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण, पेपर 7A। यह पेपर आपका 50 मार्क्स का है और इसके मार्किंग का जो स्ट्रक्चर है वह 40+10 के रूप में है। 40 नंबर का एग्ज़ाम आपका यूनिवर्सिटी लेगी और 10 नंबर सेशनल मार्क्स है जो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आपका परफॉर्मेंस जिस तरह का होगा उसी के आधार पर आपको यहाँ से सेशनल मार्क्स दे करके भेजे जाएंगे। दो चीज़ अगर आपका ठीक ठाक है, एक वो क्लास टेस्ट मिड टर्म टेस्ट और दूसरा परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, अगर ये दो मामला अगर आपका फिट फाट है तो सेशनल मार्क्स भी आपको फिट फाट मिलेगा। अब हम आते हैं कि गणित शिक्षण जो आपको विषय के रूप में सब्जेक्ट के रूप में जो आप लोगों को पढ़ना है, से पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि गणित को का परिचय सबसे पहले हमें जानना है। सिलेबस तो पढ़ना ही है लेकिन सबसे पहले हम गणित को परिचय आप लोगों से करा दें। तो गणित को परिचय, गणित का जो परिचय है उसकी बात अगर हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में, आप कह सकते हैं कि मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। इसके लिए हम सभी को शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। मनुष्य अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में करता है, यह बात भी सत्य है, और प्रत्येक दिन अपने दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखने के लिए गणित का सहारा लेता है। कोई भी मनुष्य इससे अछूता नहीं रहा है, चाहे वह डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, रिक्शा चलाने वाला हो या ठेला चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो या किराना का दुकान चलाने वाला हो, चाय बेचने वाला हो या पान बेचने वाला हो, हम इन सब को गणित की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना मनुष्य अपना या अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजर बसर नहीं कर सकता। तो ऐसा मुझे लगता है या ऐसा ही है कि गणित के अभाव, गणित के जानकारी के बिना मनुष्य अपने जीवन को सुचारू तरीके से नहीं चला सकता, ठीक है। और
एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि आखिर प्रत्येक मनुष्य को गणित की आवश्यकता क्यों होती है? आखिर गणित में ऐसा ऐसी कौन सी बातें छुपी हुई है जिसके लिए हर एक व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है? तो देखिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जिस समय हम चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण के मूल्य क्या क्या होते हैं। वहाँ हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या बात है, किस वजह से प्रत्येक मनुष्य को गणित की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अब एक दो बात और इसमें और भी बातें करनी है कि जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर पैर रखा है तब से प्रत्येक व्यक्ति देश या अन्य के साथ लेन देन की क्रिया प्रारंभ करनी पड़ी। समझ लीजिए कि मनुष्य ने जब से धरती पर कदम रखा तब से एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, एक देश को दूसरे देश के साथ लेन देन की क्रियाएं शुरू करनी पड़ी और लेन देन की क्रियाओं के लिए मनुष्य को गिनती की आवश्यकता पड़ी। इस तरह से पता चलता है कि गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ और इसका प्रमुख क्षेत्र नंबर सिस्टम है और इसी नंबर सिस्टम की वजह से या इसी नंबर सिस्टम की सहायता से गणित की और भी शाखाएं डेवलप किए हैं, ब्रांचेस डेवलप किए हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्री हो, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स हो, इत्यादि जितने भी ब्रांचेस डेवलप किए हैं, इन सब का आधार जो है वो नंबर सिस्टम है। ऐसा नहीं था कि जिस समय गिनती का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ, एक देश का दूसरे देश के साथ लेन देन की प्रक्रिया नहीं थी। लेन देन की प्रक्रियाएं थी लेकिन उसका जो प्रोसीजर था, उसके जो तरीके थे वो डिफरेंट था। उस समय में हम लोग एक सामान देते थे तो उसके बदले में दूसरा सामान हम उनसे लेते थे। जैसे हम लोग अपने पूर्वजों से सुना है कि एक बोरा अगर हम लोग आटा किसी को देते थे तो आधा बोरा चावल जो है हम दूसरे से लेते थे। इस तरह की चीज़ें थी लेकिन ये चीज़ें उस समय थी जिस समय नंबर सिस्टम का आविष्कार नहीं हुआ। तो अब इसके इंट्रोडक्शन में हम बहुत डीपली नहीं जाना चाहते हैं और बहुत डीपली ना तो मुझे इसके बारे में सही से जानकारी भी नहीं है और ना ही किसी बुक ने बहुत ज़्यादा डीपली से टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में लिखा भी है। लेकिन संक्षेप में अगर हम बोलना चाहेंगे, आप लोगों से बताना चाहेंगे, तो वही है कि नंबर सिस्टम का जब ईजाद नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय एक सामान के बदले दूसरे सामान लेने का और देने की ही प्रथा थी।
तो गणित विषय के बारे में स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार हड्डी के बिना मनुष्य अपने शरीर की कल्पना नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह से गणित के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और अब हम इसमें बात करेंगे कि आप लोग टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में क्या पढ़िएगा, क्या पढ़ाया जाए, इसके बारे में हम आप लोगों से बता दें कि पीएचडी के काम से, पीएचडी के सिलसिले से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आड़ा हमारा आना जाना हुआ करता था। एक बार यूं ही हम अपने सर के चैम्बर में बैठे हुए थे तो सर ने हमसे पूछा कि अरे बीएड में तुम क्या पढ़ाते हो? तो हमने कहा कि सर बीएड में थोड़ा बहुत जनरल पेपर पढ़ा देते हैं और चूंकि हमारा मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स एक पेपर के तौर पर वहाँ है, वो कंप्लीट मुझे पढ़ाना होता है। तो बगल में एक टीचर थे, उन्होंने हमसे पूछा कि मैथ्स में आप क्या पढ़ाते? तो हमने कहा कि सर हम मैथ्स में वही चीज़ पढ़ाते हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं पढ़ाते। ध्यान से समझ लीजिए कि मैथ्स में हम स्टूडेंट को वही चीज़ पढ़ाते हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं पढ़ाते हैं, और उन सब चीज़ों के बारे में हमको ऐसा लगता है सर कि आप लोग कभी पढ़े भी नहीं हैं। तो फिर सर ने कहा कि ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि जिसके बारे में हम नहीं पढ़े हैं या हम लोग नहीं पढ़ाए हैं या पढ़ाते हैं? तो हमने कहा कि सर उसी समय अचानक हमारे ध्यान में आया कि वो दीवार पर एक पिक्चर लगी हुई थी, वो तस्वीर था रामानुजन साहब का या आर्यभट्ट का भी था, तो कुछ इस तरह से दो तीन पिक्चर वहाँ पर ऑलरेडी था जो दीवार पर लगे हुए थे। तो हमने कहा कि सर हम इनके बारे में पढ़ाते हैं, रामानुजन साहब के बारे में, आर्यभट्ट साहब के बारे में पढ़ाते हैं कि मैथमेटिक्स में इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इनके लाइफ स्केच के बारे में हम बताते हैं। और भी बहुत सारी बातें हमने बताई। तो हाँ, एक दो बातें और भी हमने बताया कि सर हम उन सब हम यहाँ पर वैसे चीज़ों के बारे में भी बताते हैं कि आखिर बच्चों के अंदर गणित के प्रति इंटरेस्ट आप कैसे डेवलप करें। बच्चे अधिकतर अधिकांश बच्चों के मन में गणित के प्रति जो है एक डर बैठा है, तो इस डर को निकालने का कला
आपके पास किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का कला होना चाहिए कि बच्चों का डर क्या हो जाए, गणित के प्रति खत्म हो जाए, गणित के प्रति उनका इंटरेस्ट क्या हो, डेवलप करे, इंटरेस्ट जागे, उनकी रुचि जागे। हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर टीचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक दो बात और हम आपसे इसमें बता दें कि ये लिख कर दो बात और आपको बता दें कि यहाँ आप सब टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, इसमें वैसे कोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, वैसे सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, वैसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। यहाँ सब कुछ आपको नया नया मिलेगा, दूर दूर तक आपका कभी भी उससे आपकी मुलाकात नहीं हुई होगी, कभी आपने उसके बारे में हाँ सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। तो जैसा कि आज के वीडियो से देखने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि गणित का ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेवलप कहाँ से किया। तो डेवलप कहाँ से किया, वो लेन देन की जो प्रक्रियाएं जब से शुरू हुई, गणित का विकास भी उसी के आसपास हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि मीनिंग डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के अर्थ, परिभाषा एवं उसके प्रकृति के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।